हेलो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा आप कॉइन DCX में कैसे पैसे डिपॉजिट करें और उस पैसे से आप कैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करें। जैसे बिटकॉइन बाय करना है या आपको लाइट कॉइन बाय करना है या कोई भी कॉइन आपको बाय करना है तो वो कैसे करें और फिर उसको कैसे आपको सेल करना है। आपके पास जैसे BTC पड़े हुए हैं, कुछ BTC पड़े हुए हैं तो उसको आपको कैसे सेल करना, फिर कैसे आपको वो पैसे कन्वर्ट होगा, फिर वो कैसे आपको बैंक में लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप नोटिस कर लो कि ये सिर्फ मैं जो बताऊंगा ये सिर्फ इंडियन में ही, इंडिया का जो अकाउंट रहेगा उसी में वर्क करेगा सबसे पहले तो ये। और एक चीज़ और, ये सब इंडिया वालों के लिए बेस्ट ऐप है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी शेयर करना हो, रिसीव करना हो, बहुत बेस्ट ऐप। आप इसमें सारे मतलब सारी करेंसीज एक्चुअली नहीं है अभी इसमें, बहुत कम ही करेंसी है, बट धीरे धीरे करके सारी आ जाएंगी। लेकिन मेन मेन करेंसीज है जो बिटकॉइन जैसे हुआ, इथ्रियम हुआ, फिर लाइट कॉइन हुआ, ये सब मेन मेन करेंसीज है। बहुत सारी करेंसीज नहीं आई है, डोगी कॉइन जो है वो सब नहीं आई है। तो अभी मैं जैसे इसमें ऐड करके बताता हूँ पहले, तो मैं देख लीजिए मेरे INR वॉलेट में अभी 2.84 है, ये देख लीजिए मैंने कितनी बार ऐड किया है। तो अभी मैं इसमें 1000 ऐड करूंगा, पूरा देख लेना कैसे ऐड करना है, फिर कैसे इसे बाय करना, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें। तो पहले डिपॉजिट INR पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जैसे आपको कितना अमाउंट ऐड करना है, जैसे आपको 500 ऐड, मिनिमम अमाउंट 500 होता है और मैक्सिमम अमाउंट 50,000 समथिंग, 50,000 के पास आसपास होता है, 50,000 होता है मैक्सिमम। तो जैसे अभी मुझे सपोज 1000 इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका जो बैंक आपने ऐड किया है उसी बैंक से आपको पे करना होगा, अदरवाइज वो इसमें ऐड नहीं होगा, वो आपका रिजेक्ट कर देगा। और ये टाइम देख लीजिए, 7 से 7 सुबह 7 और रात के 9 बजे तक ही ये आप इसमें डिपॉजिट और ये सब कर सकते हो, उसके बीच में आप नहीं कर सकते, आप 7 से लेकर 9 के बीच में ही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये दोनों टिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये आपको अकाउंट नंबर SC कोड इस पर आपको 1000 भेजना है, तो वो मैं कैसे भेजना और क्या इसमें डालना वो बता देता हूँ। ये मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी के भी थ्रू भेज सकते हो। तो मैं अकाउंट नंबर कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपना गूगल पे ओपन करता हूँ। गूगल पे होने के बाद आपको न्यू पेमेंट में जाना है, यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफ़र पे जाना है। हाँ, बैंक ट्रांसफ़र पे जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वो पेस्ट कर देना है जो आपको अकाउंट नंबर दिया रहेगा। फिर यहाँ पे IFSC कोड, ये IFSC कोड कॉपी करिए और यहाँ पर ये पेस्ट कर दीजिए और फिर अकाउंट होल्डर नेम। आप फोन पे के थ्रू जो भी चाहें आप उसके थ्रू मतलब दे सकते हैं, फिर कंटिन्यू। अब आपने 1000 अगर आपको वहाँ पे डाले तो आपको 1000 ही पे करना होगा। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे इसने लिखा है कि यहाँ पे मेक श्योर टू इंटर 6841 इन द रिमार्क। आप में अलग दिया रहेगा, अलग अलग नंबर्स दिए रहेंगे वो लिखना रहेगा, तो 6841 मैं लिख देता हूँ 68417, एक बार फिर से देख लेता हूँ 68417। अब जैसे कि मैंने उसमें पेटीएम बैंक ऐड किया तो मैं पेटीएम बैंक से पे करूँगा। आपने जो भी बैंक ऐड किया उसी बैंक से पे करिएगा और किसी बैंक से भी पे मत करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो मैंने पेटीएम बैंक ऐड किया तो मैं पेटीएम बैंक से पे कर देता हूँ इसमें। यहाँ से नियर बाय मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपके उसमें चला जाएगा। उसके पहले आपको एक काम और करना है, आप पहले देख लीजिए यहाँ पे आपने जहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, दिखा देता हूँ, ये रहा, इस पर क्लिक करना आपको 1000 और इसकी जो रेफरेंस ID है वो यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर मेरी रेफरेंस UPI ट्रांजेक्शन ID है 01091, मैं ये डाल देता हूँ 01061 8108106081086015। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए और ये 12 डिजिट का ही होता है ये जो नंबर है, ये आपको डालना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना। एक बार फिर से पूछेगा, एक बार ये सारी डाटा मैच कर लीजिएगा आपका सही है कि नहीं, गलत होगा तो आपको वो आपका बता देगा कि रेफरेंस आईडी गलत है, तो आप एडिट पे जाके फिर से वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं डाल लेता हूँ ऑल दिस आर करेक्ट। तो ये आपका मैक्सिमम देख लीजिए लिखा 6 घंटा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका 2-3 घंटे लगेगा, बट उसके बाद आपका आराम से हो जाएगा। तो अभी ये मैं आप पॉज कर देता हूँ वीडियो, जब आ जाएगा तो मैं आप वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा आ गया है, 5 मिनट में आ गया 1000 मेरा डिपॉजिट आ गया इसमें।
तो अभी नेक्स्ट थिंग मैं इसमें बताता हूँ कि आप कैसे कोई करेंसी बाई करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए DCX इंस्टा दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीधा। तो यहाँ से आप कोई भी आप USDT या बिटकॉइन लाइटकॉइन कुछ भी बाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लो जो भी सारी लिस्टेड होगी, जो भी दी रहेगी, जो भी कॉइन आपको बाई करना है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी मैं बिट लाइटकॉइन बाई करता हूँ, तो LTC लाइटकॉइन। तो यहाँ पे ये देखिए बाय पे क्लिक करना है। तो बाय और सेलिंग में दोनों पे की प्राइस में समथिंग डिफरेंस होता है। तो ये देखिए सेल प्राइस जैसे कि इसमें देख सकते हैं 3387 है और बाय की प्राइस 3438 है। तो अभी जैसे कि मुझे 1000 का मैं बाय करता हूँ लाइट कॉइन। ये 1000 का मैं लाइट कॉइन यहाँ पे आपके सामने लाइव बाय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए बाय पे क्लिक करना है लाइट कॉइन। और ये देख ली 1000 का, यहाँ पे पूछेगा कितना आपको वो प्राइस मिलेगा। तो मैं बोल देता हूँ करेक्ट, यहाँ पे आपका लाइट कॉइन हो जाएगा। देखिए आपका बाय, देख लो भाई मेरा यहाँ पे आ गया जितना 1000 का लाइट कॉइन। मेरे पास 500 इतने समथिंग पहले से ही थे, तो मैंने 1000 के लाइट कॉइन आ गए। मैं एक बार फिर भी एक बार हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, DCX इंस्टा ऑर्डर हिस्ट्री में। ये देख लो पहला वाला, हाँ ये देख लो 1000 का मैंने लाइट कॉइन बाई किया है, ये देख लो पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं सेल कर देता हूँ। एक्चुअली मैं सेल करता नहीं, मैं थोड़ा जब तक लाइट कॉइन थोड़ा बढ़ जाता प्राइस तब मैं सेल करता, लेकिन मैं क्या करूँ बता देता हूँ आपको। सेल करके फिर से आपको DCX इंस्टा पे जाना है, यहीं से आपको सेल करना है। तो मैं यहाँ पे सेल LTC करता हूँ यहाँ पे, और क्वांटिटी में जैसे मेरे पास कितना है 0.4, मैं 1200 समथिंग का सेल करता हूँ। तो 0.352 क्वांटिटी में इसकी सेल कर दे रहा हूँ LTC की, और मेरे पास 1190 रुपये आ जाएंगे मेरे को। तो मैं सीधा सेल पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे, एंड दिस डिटेल्स आर करेक्ट। ये देखिए मेरा हो चुका है यहाँ पे, मेरे दिखा देता हूँ आपको NR वॉलेट में, एक मिनट। यहाँ से देख लीजिए ये कट गया पैसे, शायद अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है इसमें। हाँ, हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1193 में 2 रुपये पहले थे, अभी देख लीजिए आ गया पूरा। तो ये देख लीजिए ये तरीका है बाय और सेल का। एक्चुअली इसमें आप बहुत दो तीन तरीके ट्रेड भी कर सकते हैं, तो उसका आपका दुगना प्रॉफिट होगा, 1-2 हज़ार का दुगना प्रॉफिट होगा। बहुत माइंड, लेकिन इसमें बहुत माइंड लगाना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कब प्राइस ड्रॉप हो रही है, कब इंक्रीज़ हो रही है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा लाइव बता दिया सब कुछ कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है। एक बार हिस्ट्री में जाके ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए मैंने सेल किया इतनी क्वांटिटी मेरे को तुरंत। अब इसको कैसे विड्रॉ लेना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। विड्रॉ INR पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 100% फुल अमाउंट आपको चाहिए तो फुल अमाउंट में क्लिक कर देना है, जितना अमाउंट है ये पूरा। और वेरीफाई पे क्लिक करना, आपको OTP आएगा। एक्चुअली OTP नहीं आएगा, मेरा सेकंड सिम बंद है। तो OTP आएंगे कंफर्म विड्रॉ पे, मैं एक बार कर देता हूँ आपको, वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये देख लो जैसे मैंने डाल दिया OTP, अभी कंफर्म विड्रॉ पे क्लिक करूँगा कि ये देखो वो हो गया है हमारा। अभी कुछ देर में ये मेरे बैंक में आ जाएगा, ये मैंने 1193 लिया। अभी जब ये कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा। तो भाई देख लो यहाँ पे मेरा हो गया ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट, और ये देख लो मेल भी आ गया है कि आपका ये हो गया सक्सेसफुल। भाई इसमें एक पता एक चीज़ अच्छा है, आपका कोई भी पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ भी आप बाय या सेल करो या कुछ भी ट्रांसफर उसका कर रहे हो, जब एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको मेल आ जाएगा कि आपका हो गया, तो जिससे आप देख सकते हो। तो मैं आपको पेटीएम भी दिखा देता हूँ। ये देख लो पेटीएम 1190, टाइम देख लो 8:38 में आ गया है मेरे को पेमेंट कैश फ्री के थ्रू से। तो ये आपका पेमेंट, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देख लिया, थोड़ा टाइम लिया, दो तीन घंटे लिया। और जब आप एक दो बार ले लोगे ना तो आपको तुरंत इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, डिपॉजिट पे ये सब इंस्टेंट हो जाए। तो ये मैंने इसमें चार चीज़ अभी बताई है कि कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। अब इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, कि एक वॉलेट टू दूसरे वॉलेट में कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे आपके पास मान लो कि अभी मेरे पास जैसे लाइट कॉइन इसमें बचे हुए हैं, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पास अभी लाइट कॉइन है, जैसे लाइट कॉइन मेरे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना है, या मेरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, तो जो भी आपको कहीं से भी ट्रांसफर करना है। जैसे आपके पास किसी को मेरे को बिटकॉइन देना है बट मेरे पास बिटकॉइन है नहीं, तो आप जाओ खरीद दो बिटकॉइन और उसको ट्रांसफर कर दो जिसको भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। जब किसी को सेंड करना है तो विड्रॉ पे क्लिक करना, और जो भी जैसे लाइट कॉइन सेंड करना है, देख लीजिए जो भी आपको सेंड करना है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, बिटकॉइन है, इथेरियम, ये सब ऊपर ही है। तो जैसे आपको, जैसे मुझे लाइट कॉइन ट्रांसफ़र करना है तो मैं लाइट कॉइन के क्लिक करूँगा,
और किसको देना है उसका मेरे को वॉलेट एड्रेस चाहिए, मेन वॉलेट एड्रेस होता है, तो वो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे मेरे को डालना था। जैसे मेरे को किसी को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे मैं उसका एड्रेस डाल दूंगा, जिसको भी डालना है उसका एड्रेस डाल दूंगा, और जितना डालना है अमाउंट जीरो पे, जैसे मेरे पास इतना अवेलेबल है, जैसे मेरे को 0.05 इतना मेरे को ट्रांसफ़र करना है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, इसमें आपकी 0.005 LTC फ़ी लगेगी, मतलब ये 15 से 20 के आसपास इतना चार्ज लगेगा एक ट्रांसफ़र पर। सबसे ज़्यादा चार्ज बिटकॉइन का एक ट्रांसफ़र पे 250 के आसपास इतना चार्ज लगता है आपको एक ट्रांजेक्शन जब करोगे। तो देख लो, आप 0.05 लिख तो दिए, लेकिन उसको जी कितना जाएगा, 0.045 जाएगा। तो अगर आपको 0.05 भेजना है तो आप 0.55 इतना लिखोगे, तो ये क्या 0.05 तो वो चार्ज ले लेगा, और 0.05 उसको जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर आप किसी को भी जितना अमाउंट भेज रहे हो तो उससे इतना अमाउंट पहले इतना फ़ी ऐड करके ही भेजना, ये इंपॉर्टेंट लेना। तो अभी जैसे मेरे को बिटकॉइन भेजना हो तो मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ, जैसे बिटकॉइन लेना हो उसका एड्रेस डालूंगा, और कितना अमाउंट इसका देखिए 0.0005 चार्ज लगेगा। तो जैसे कि मेरे को उसका एड्रेस डाल दिया और उधर अमाउंट डाल दिया और सेंड कर, और सेंड नहीं होगा जब तक नहीं सेंड होगा, पहले आप सेंड पे क्लिक करोगे तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, OTP डालना है, फिर आपको वो मेल जाएगा, मेल पे आपको वेरीफाई करना है, एक मेल पे जाएगा, उधर कंफर्मेशन मेल रहेगा, और जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे तब तक यहाँ से वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो पेंडिंग में ही रहेगा, तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इंस्टेंट पेमेंट होता है, 5-10 मिनट में चला ही जाता है। ये हो गया कैसे आपको विड्रॉ लेना है, कैसे किसी को भी कोई भी कॉइन में विड्रॉ लेना है। अब नेक्स्ट थिंग बताता हूँ कैसे आपको डिपॉजिट करना है। विड्रॉ कर रहे हो तो यार डिपॉजिट तो होगा ही, तो डिपॉजिट पे कर देना। यहाँ पे आपका देखिए वॉलेट एड्रेस रहेगा, जैसे लाइट कॉइन का ही मैं बता देता हूँ, तो लाइट कॉइन का इसमें एड्रेस दिखाएगा, वो एड्रेस ले लीजिए, और जहाँ से भी आप डिपॉजिट कर रहे हो या कहीं से भी जहाँ से विड्रॉ कर रहे हो ये वाला एड्रेस डाल दो, तो आपका इसमें आ जाएगा कि ये रहा एड्रेस, ये मेन एड्रेस है आपका, और ये या तो स्कैन करके भी भेज सकते हैं। आपका ये एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट एड्रेस होता ही है, एक बार फिक्स हो जाता है कि ये आपका वही एड्रेस रहेगा। तो आप जैसे ये मेरा लाइट कॉइन का एड्रेस है, आप बिटकॉइन जो भी आपका जहाँ पे भी सेंड करना चाहें बिटकॉइन का भी एड्रेस है। हाँ, XRP का एड्रेस दो अलग होता है, मैं इसमें बता देता हूँ, ये इसमें दो दो रहता है, एक टैग रहेगा एक उसका वॉलेट रहेगा, इसमें दोनों ऐड करना होता है, तो ये इसमें दोनों ही ऐड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो नहीं होता है। तो जब भी आप XRP रिपल मतलब ये सेंड करते हैं तो इसमें आप दोनों ऐड करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया डिपॉजिट का। अभी मान लीजिए आपके पास सपोज बिटकॉइन है और आपको ख़रीदना है लाइट कॉइन या XRP या कोई अदर वो ख़रीदना हो, तो आप कैसे करोगे? तो देखो यार, इसका दो तरीके हैं। तो पहला, या तो आप देसी इंस्टा पे जाके आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन सेल कर दो, और वो जो पैसे हैं उससे आप लाइट कॉइन जो भी आपको करेंसी खरीदनी हो, जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना हो खरीद सकते हो। दूसरा, जैसे आपको नहीं करना ही है तो दूसरा तरीका भी है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको जैसे आपके पास बिटकॉइन या लाइट कॉइन में ट्रांसफ़र, बिटकॉइन टू लाइट कॉइन कन्वर्ट करना है या लाइट कॉइन टू बिटकॉइन करना है, तो आप मैं इधर BTC लिखता हूँ, तो इधर देखिए BTC जो भी कन्वर्ट होगी ना तो आ जाएगा, देखिए BTC, हाँ देखिए सबसे पहला इसमें BTC INR आ रहा है, BTC USDT, ये USDT आ रहा है, मतलब आप ये इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा, अगर BTC रहेगा तो आपको USDT में कन्वर्ट कर देगा, USDT रहेगा तो उसको उसमें कर देगा। तो मैं इसमें अभी जैसे मैं LTC का दिखा देता हूँ, तो ये देखिए LTC और BTC इसमें दिखा रहा है, या LTC टू Ethereum या TUSDT, TUSD और या USDT। तो मैं अभी LTC BTC का बता देता हूँ इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे जाना है आपको और सीधा बाय पे क्लिक करना है, या आपके पास है तो सेल कर सकते हैं बिटकॉइन टू लाइट कॉइन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए बिड ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट शो करेगा आपके पास कितने हैं, यहाँ पे कितना आपको बाय करना है, क्वान्टिटी डाल देना है LTC का, और कितना बाय, जैसे कि आपको सपोज लाइट कॉइन बाय करना है बिटकॉइन से, तो यहाँ पे आप लाइट कॉइन की वैल्यू जितना चाहिए आप डाल दीजिए और यहाँ पे बाय कर दीजिए, वहाँ पे आपको बाय हो जाएगा। तो ये रहा इसका प्रोसेस। और ये अगर ऐसा करना हो तो आप PC ज़्यादा प्रिफर करें, क्योंकि इसमें बहुत ईजी रहेगा, सब कुछ अच्छे से शो होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दिया मेरा, देखिए वो ये भी कंफर्म हो गया, सब कुछ आ गया। तो यार ये बहुत मस्त ऐप है यार, इसको जाके अच्छे से यूज़ करो, और मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन सब का, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये ऐप का यूज़ कर लो यार जाके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आपका KYC प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, तो वो उसमें सब कुछ समझा दिया है, उसमें कैसे करना है KYC वैसे, तो वो देख लो। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।